अदला न्यूज का लगातार कवरेज जारी है। मैं इस समय लाहौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नामांकन फार्म पर अभी तमाम समर्थक यहां पर जुड़े हुए हैं और हमारी बात लगातार जारी है। मिशन 2018 को देखते हुए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो हालात बन रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी? जी हाँ, जरूर कांग्रेस सरकार बनेगी। इस बार सभी लोग चाहते हैं कि क्षेत्र के अंदर विकास हो सारे मध्य प्रदेश के अंदर और कांग्रेस सरकार बने। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने राजस्थान में कहा है कि महिलाओं को हम टिकट बंटवारे में लगातार सम्मान दे रहे हैं, क्या यहाँ पर टिकट मिल रहा है? हाँ, यहाँ पे भी मिल रहा है और अभी भी सीट जो बाकी है उस पर महिलाओं का अधिकतर नाम आएंगे। गुहत को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? गुहत में भी महिला, जैसे हमारे विधानसभा में 5 सीटें हैं तो उसमें से 4 पुरुषों को दी गई है, तो ऐसा लग रहा है कि एक महिला को जरूर देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि रेखा बसेड़िया भी जो वहाँ पे टिकट की उम्मीदवार आप कर रहे हैं? हाँ जी, मैं टिकट की उम्मीदवार हूँ और यहाँ से मैं लगातार लगी हुई हूँ। अगर मुझे पार्टी या हाईकमान मुझे टिकट देती है तो मैं जरूर। क्या है आपका विकास का एजेंडा? यदि आप गोहद विधानसभा क्षेत्र की जनता आपका चुनाव करती है तो क्या है आपका, सबसे पहले क्या देना चाहिए जनता को? मैं क्षेत्र के अंदर विकास करूंगी। मुझे अगर एक मौका मिलता है तो मैं हमारे क्षेत्र के अंदर पानी और उसकी बहुत समस्या है, क्षेत्र का मैं विकास करूंगी। सभी के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहूंगी जनता के साथ। रेखा बसेड़िया जी, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो पूरे देश में दिखाया जा रहा है तो अव्वल है, बलात्कार हुए हैं, वहाँ महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, क्या कहना चाहिए? सर, जो बीजेपी का शासन काल है उसमें बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुए हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और जब हमारी कांग्रेस सरकार बनेगी तो उसमें उनको सबसे पहले महिलाओं का ख्याल रखा जाएगा और उनकी सारी व्यवस्था की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आपको क्षेत्र की जनता से? मैं क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगी, अगर मुझे एक मौका मिलता है तो मैं आप सब लोगों के लिए मैं अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए लगाना चाहती हूँ, सबकी सेवा करना चाहती हूँ। नया विधायक गोविंद सिंह जी लगातार 6वीं बार, उसके बाद 7वीं बार उन्हें नामांकन पत्र भरा है, आपको क्या लगता है उनके जीतने का राज, क्यों जीते हैं लाहौर से? उनका व्यवहार बना हुआ है और वो जनता की सेवा करते हैं, जनता ही उन्हें बनाती है और उनका इस बार तो उनको मंत्री बनना बिल्कुल तय है उनका। लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी का मंत्री बनना तय है, ये आवाज़ थी गुहर विधानसभा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य रेखा बसेड़िया की। और उन्होंने ये भी जाहिर किया है कि यदि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है तो वो समर्थ भाव से टिकट लेकर के गुहर क्षेत्र की जनता करना चाहेंगे। नमस्कार, आपकी अगला निश्चित।